ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। अब हमारा थर्ड पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। थर्ड लेक्चर है बेसिकली, जो सेकंड मॉड्यूल का है। और सेकंड मॉड्यूल है हमारे पास गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन एंड एन टीके इंटल। ठीक है, अब सबसे पहले हमने पाइथन डाउनलोड करेंगे। तो उसके लिए गूगल पे जाके हम यहाँ सर्च करेंगे। गूगल डॉट कॉम पे आने के बाद पाइथन इंटर, तो हमारे पास यहाँ वेबसाइट आ जाएगी, पाइथन वेलकम टू पाइथन डॉट ओ आर जी, ये वेबसाइट का नाम है। इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ डाउनलोड, डाउनलोड में आने के बाद विंडोज एडिशन, विंडोज में आने के बाद लेटेस्ट एडिशन जो चल रहा है वो है पाइथन 3.8.2। ठीक है, बेसिकली पाइथन 3 ही है। जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली डाउनलोडिंग का सेटअप आ जाएगा। ओपन डाउनलोड, अभी यहाँ पाइथन डाउनलोड हो जाएगी। अभी डाउनलोडिंग पे लग चुकी है। अभी जैसे ही अभी डाउनलोडिंग कंप्लीट होती है, हम इस पाइथन 3.8.2 को इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद आगे देखेंगे टीके इंटेल को फिर। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी पाइथन इंस्टॉल भी है, वो पाइथन 3.6.4 इंस्टॉल है। 3.6 इंस्टॉल है मेरे पास ऑलरेडी, और अब जो हम इंस्टॉल करने वाले हैं वो लेटेस्ट वर्जन है पाइथन का 3.8.2। बट बेसिकली ये है पाइथन 3 ही। ठीक है, यानी कि अगर आप पाइथन 8 3.8 पे काम करें, या पाइथन 3 पे काम करें, पाइथन 3.2 पे काम करें, 3.4 पे काम करें, आपका बिल्कुल काम सेम होगा। काम करने में या वर्किंग में या रिजल्ट्स में या कोडिंग में कोई चेंजिंग नजर नहीं आएगी। तो मैंने यहाँ पे डाउनलोड होने के बाद क्लिक किया, पाइथन इंस्टॉलेशन ओपन हो गया सेटअप। यहाँ पे सबसे पहले आपने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक नहीं करना। अगर आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे तो होता ऐसा है कि इंस्टॉल नाउ पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपकी पाइथन जो है वो बेसिक पाइथन इंस्टॉल होती है, जो कम्प्लीटली इंस्टॉल नहीं होती। तो हम यहाँ पे सबसे पहले करेंगे एड टू पाथ 3.8। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद कस्टमाइज पाइथन पे क्लिक करेंगे, और कस्टमाइज पाइथन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। और एक और चीज आपने देख लेनी है, यहाँ पे अगर किसी बॉक्स पे अनचेक हो, जैसे मेरे पास ये डॉक्यूमेंटेशन पेप टीसीएल टीके एंड आईडीएलई और पाइथन टेस्टिंग सूट पाई लॉन्चर और ये डिफरेंट जो मेरे पास एंगल्स आ रही हैं, इन सब पे चेक है। अगर आपका इनमें से किसी एक पे अनचेक हो तो आप उसे चेक कर लेंगे। ठीक है, आपको ये पाई डॉक्यूमेंटेशन जो है, ये बेसिकली आपको तमाम लाइब्रेरीज जो प्री इंस्टॉल्ड होंगी उसकी डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रोवाइड करेगा, हेल्प प्रोवाइड करेगा, जिससे आपका ये वर्किंग में आसानी आएगी। उसके बाद जो पिप है, ये आपके पास होता है बेसिकली डिफरेंट लाइब्रेरीज इंस्टॉल करने के, जो पीछे बेसिक लिखा भी गया है, इंस्टॉल पिप विच कैन डाउनलोड एंड इंस्टॉल अदर पाइथन पैकेजेस। ठीक है, उसके बाद आपका टीसीएल टीके, ये बेसिकली आपके पास जो इसकी डिफॉल्ट लाइब्रेरीज है वो इंस्टॉल कर देगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है इंस्टॉल टीके इंटेल एंड द आईडीएलई डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, अगर आप इसे अनचेक कर देंगे ना, तो आपके पास टीके इंटेल जो कि ग्राफिकल बेसिकली लाइब्रेरी है पाइथन की, ग्राफिकल टूल्स बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, ठीक है, तो वो इंस्टॉल नहीं होगी। जैसे आपने इस पे क्लिक किया, उसके बाद आपके पास वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगी पाइथन के साथ ही। पाइथन टेस्टिंग सूट, ये क्या करते हैं, इंस्टॉल्स द स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज फॉर टेस्टिंग। जैसा कि मैंने कहा था कि आपके पास पाइथन में, जैसे ही आप मतलब कंप्लीट पाइथन इंस्टॉल करेंगे, तो आपके पास पाइथन की जो बेसिक लाइब्रेरीज होती हैं, स्टार्टिंग लाइब्रेरीज होती हैं, जो मतलब आपको बेसिक कामों के लिए चाहिए होती हैं, वो इंस्टॉल हो जाती है। उसके बाद पाइथन सॉफ्टवेयर चलाने के लिए पाइथन लॉन्चर चाहिए होता है, वो भी साथ इंस्टॉल हो जाता है। और उसके बाद इसका फॉर ऑल यूजर्स एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, इसका ऐसा होता है कि आपके पास पाइथन के जितने भी मतलब यूजर्स इंस्टॉल होंगे आपके सिस्टम में, जैसे मेरे पास यहाँ एक ही यूजर इंस्टॉल है जो मेरा खुद का है, तो
महमूद अली। बाकी अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसके डिफरेंट मल्टीपल यूजर्स भी इंस्टॉल होते हैं, ठीक है, तो उन तमाम के लिए इंस्टॉल हो जाएगा। इसका फायदा एक तो ये हो जाएगा कि ये तमाम यूजर्स के लिए इंस्टॉल हो जाएगा, दूसरे नंबर पर इसका बेनिफिट ये है आपके पास कि आप किसी भी डायरेक्टरी में इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे नॉर्मली आपके सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो सी ड्राइव में इंस्टॉल होते हैं और वो सी ड्राइव में ही यूज होते हैं, आप डी ड्राइव में उन सॉफ्टवेयर को यूज नहीं कर सकते। अगर आप उसे ऑल यूजर्स पे क्लिक करवा देंगे तो फिर आप जहां मर्जी होंगे वो यूज हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट करने के बाद आपने यहाँ से तमाम चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना है। सबसे पहले इस पे इंस्टॉल ऑल यूजर्स, उसके बाद डाउनलोडिंग डीबगिंग, इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास वो बेसिक एरर्स को ऑटोमेटिकली सॉल्व करेगा और उसके बाद यहाँ पे डीबगिंग के लिए आपके पास जरूरत होती है और आप इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर दें। आपसे एक ऑथेंटिकेशन मांगेगा, उसे यस कर दें, उसके बाद यहाँ से इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। और अब ये आप इंस्टॉलेशन आपकी नेट की स्पीड और आपकी सिस्टम की स्पीड पे डिपेंड करेगी कि आपका सिस्टम की स्पीड कितनी है और नेट की स्पीड कितनी है, उसके मुताबिक ये एक या दो मिनट के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। अगर आपका सिस्टम स्लो है तो फिर दो तीन मिनट लगा सकता है ज़्यादा, बट अगर सिस्टम स्लो नहीं है तो ये इतने मिनट में इंस्टॉल, एक या डेढ़ मिनट में या आधे मिनट में इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। ओके, इंस्टॉलेशन के बाद हम वेरीफाई करेंगे कि जो बेसिकली वहाँ लिखा हुआ था इंस्टॉल TCL/TK, वो हम वेरीफाई करेंगे कि जो लाइब्रेरी हमने यूज़ करनी है TK इंटेल ग्राफिकल इंटरफेसेस के लिए, क्या वो इंस्टॉल हो गई है कि नहीं, ठीक है। पहले ये इंस्टॉलेशन पाइथन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर हम उसे वेरीफाई करेंगे, फिर उसके बाद फर्दर आके मूव करेंगे। बाकी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन होता है मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, ऑलमोस्ट पाइथन इंस्टॉल हो गई है, थोड़ी सी रह गई है हमारे पास इंस्टॉलेशन। ठीक है जी, पाइथन इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आपने क्लोज नहीं करना, सबसे पहले आपने डिसेबल पाथ पे क्लिक कर देना है। इसमें क्या होता है कि आपका जो बेसिकली ये क्या कह रहा है, डिसेबल पाथ लेंथ लिमिट, यानी कि आपके पास बेसिकली डिफॉल्ट एक लिमिट सेट होती है कि आप पाइथन का जो पाथ है वो सेट होती है 260 कैरेक्टर्स, यानी 260 कैरेक्टर्स से बड़ा लिंक आप नहीं बना सकते। अगर आप इसे डिसेबल कर देंगे, यहाँ से क्लिक करके डिसेबल कर दिया, जैसे मैंने, अब मेरी मर्जी, मैं चाहे 50 अल्फाजों का लिंक बनाऊं या 1000 का बनाऊं, मुझे रोक टोक नहीं है कोई, ठीक है। तो आपने उस लिमिट को रिमूव करने के लिए डिसेबल कर देना है, उसके बाद फिर क्लोज कर देना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आके पाइथन को ओपन कर लेता हूँ। पाइथन, जैसे मैंने नीचे पाइथन को सर्च किया, मेरे पास यहाँ ऑप्शन आ गया पाइथन 3.6 चलानी है मैंने कि कोई और दूसरी, ठीक है। तो जो मैंने अभी इंस्टॉल की है वो पाइथन ये है 3.8, मैं इसे ये ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। आईडी कर ले, ओपन करने के बाद मेरे पास इस तरह का एक एनवायरनमेंट आ जाएगा। ये बेसिकली पाइथन शेल है, ठीक है, जिसमें हम अपने कमांड्स को रन टाइम पे चला के टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो मेरी लाइब्रेरी थी TK इंटेल, मैं उसे टेस्ट करता हूँ क्या वो इंस्टॉलेशन के साथ इंपोर्ट हो गई है कि नहीं, इंस्टॉल हो गई है कि नहीं। सब चेक करने के लिए, मैं किसी भी लाइब्रेरी को चेक करने का यही तरीकाकार है कि आप शेल के अंदर उसे इंपोर्ट करवाते हैं। इंपोर्ट स्पेस आगे लाइब्रेरी का नाम TK इंटर लिखने के बाद इंटर, देखिए जैसे मैंने इंटर प्रेस किया, इंटर प्रेस करने के बाद मेरे पास यहाँ
एरो के साइंस आ गए, ठीक है। कोई एरर या कोई मैसेज मेरे पास शो नहीं हुआ, इसका मतलब मेरे पास प्रॉपरली पाइथन की लाइब्रेरीज इंपोर्ट हो गई है, ठीक है। अगर एरर शो होगा तो वो लाइब्रेरीज इंपोर्ट नहीं हुई होगी, ठीक है। अब मैं दोबारा से एक और लाइब्रेरी साथ देख लेता हूँ, एक और तरीकाकार भी है। एक तो है आपके पास लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाने का तरीकाकार, ये के इंपोर्ट आगे टीके इंटर। दूसरा भी हमारे पास ये है कि जिसमें आप उसके फंक्शंस कॉल कर सकते हैं, आपको बार बार इंपोर्ट ना लिखना पड़े। आप करते हैं इंपोर्ट अंडरस्कोर, अंडरस्कोर लगा के लाइब्रेरी का नाम लिख देते हैं इन टीके इंटर। लिखने के बाद इंटर करने करें, अब आपने इसके कोई भी फंक्शन यूज करनी है तो वो आप कर सकते हैं। और फंक्शन यूज करने के लिए आपको सिर्फ कॉल करनी है टीके इंटर और डॉट लगा के आगे फंक्शन का नाम। जैसे प्री डिफाइन है, मुझे हेल्प दे रहा है यहाँ पे, फंक्शन प्री डिफाइन आ गए, आगे जो इसके फंक्शन है हमारे पास वो इसने लोड कर लिए। करने के बाद मेरे पास फंक्शन है एक अंडरस्कोर टेस्ट के नाम से, सॉरी डॉट अंडरस्कोर टेस्ट के नाम से फंक्शन है टेस्ट और ब्रैकेट्स ऑन ऑफ करने के बाद इंटर। जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूंगा मेरे पास एक ग्राफिकल इंटरफेस सामने व्यू हो गया, ठीक है। ये मेरे पास एक व्यू आ गया जिसमें कह रहा है दिस इज अ TCL TK वर्जन 8.6, दिस शुड बी ओके वॉलेट, ओके ठीक है। यहाँ पे आपको सिर्फ डेल आ गई है, जैसे क्लिक में जैसे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ एक एक ब्रैकेट बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो यानी कि मेरे पास ये ग्राफिकल इंटरफेस लाइब्रेरी कंप्लीट ओपन हो गई और ग्राफिकली काम भी कर रही है। वॉइड पे क्लिक करूंगा तो ये बंद हो जाएगा, दोबारा मुझे चलानी है फिर मैं TK इंटर डॉट अंडरस्कोर टेस्ट फंक्शन है बेसिकली प्री डिफाइन, उसे इंटर करूंगा तो ये फंक्शन मेरे पास कॉल हो गया, ठीक है। बाकी इसके आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे।